प्रभास की फिल्म की लगी लंका, पांचवें दिन की कमाई आप सुनेंगे तो उड़ जाएगा होश। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत है, आज मैं हरी राम बात करेंगे कि प्रभास की फिल्म और कृति सैनन की फिल्म जिस तरीके से बॉक्स ऑफिस पर आने से पहले तहलका मचा रहा था ट्रेलर को लेकर, जिस तरीके से ट्रेलर था फिल्म आदि पुरुष का 16 जून की बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुआ, हिंदुस्तान के सिनेमा घरों में जिस तरीके से कमाई किया, लग रहा था कि फिल्म एकदम बहुत बड़ा धमाका कमाई करेगा। रिलीज होते ही फिल्म की पहले दिन 100 करोड़ के आसपास कमाई किए थे, जिस तरीके से मैं आपको इससे पहले वीडियो में बताया था। वहीं पे मैं बता दूं कि फिल्म की पांचवें दिन की कमाई आप सुनेंगे तो आपको होश उड़ जाएगा। दोस्तों, जिस तरीके से फिल्म की दिन बढ़ता गया, जिस तरीके से डेट बढ़ता गया, फिल्म की जो ऑडियंस देखते गए उस तरीके से फिल्म की जो रीच होती है, कमाई होती है, उस तरीके से डाउन हो गए। दूसरे तीसरे दिन हम आपको बता दें कि 240-50 करोड़ के आसपास कमाई हुआ। फिल्म जिस तरीके से बॉक्स ऑफिस पर चल रहा था, उस तरीके से बॉक्स ऑफिस पर उस फिल्म की रिकमेंडमेंट और उनके दर्शक, उनके फैंस बहुत कम जा रहे थे। विवादों में घिरने वाली यह फिल्म डायलॉग को लेकर, सीन को लेकर, हनुमान जी के रोल और रावण का रोल, राम का रोल, सीता का रोल, इस तरीके से किरदार के जो फैंस है, देखने का एक भाषा को लेकर जिस तरीके से फिल्म में बताई गई है क्या, और रामायण पे फिल्म बनी आदि पुरुष उसके अंदर है क्या, हम आपको बता दें कि फिल्म की ऑडियंस जो कहे देखने वाले हैं वो कह रहे हैं कि फिल्म बहुत ही बकवास है, बच्चे के साथ फिल्म देखने वाली नहीं है। फिल्म बच्चों के साथ देखेंगे तो आपको अच्छा नहीं फील होगा। बच्चे जब पूछेंगे आपसे तो कहा जाएगा कि क्या हम फिल्म के अंदर देख रहे हैं, हमारा पूर्वज किस तरीके से था, किस तरीके से रामायण में राम की बात थे, किस तरीके से सीता का किरदार था, किस तरीके से रावण का किरदार था। वहीं पे विवाद के कारण फिल्म की चौथे दिन की बताऊं तो जिस तरीके से फिल्म चौथे दिन के आसपास, तो मैं आपको बता दूं कि फिल्म 16 करोड़ पे आ गई कमाई एक दिन की। वहीं पे अगर पाँचवें दिन की हम बात करें तो फिल्म 10.80 करोड़ पर फिल्म आ गया पाँचवें दिन की कमाई, हम आपको बताएं आदि पुरुष को। तो जिस तरीके से राइडर प्रोड्यूसर फिल्म को लेकर जिस तरीके से कह रहे हैं कि इसमें से जो भी सीन है गलत है, वो हम हटा देंगे, डायलॉग गलत है वो हम हटा देंगे, मगर हिंदू सनातन धर्म के जो लोग हैं वो इस फिल्म को बैन करने की मांग कर रहे हैं। एक तरफ हम आपको बता दें कि ग्लोबल के यानी पूरे ग्लोबल की कमाई तो 375 करोड़ के आसपास से फिल्म की कमाई बताई जा रही है मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से। जिस तरीके से फिल्म विवादों में घिर गया, उस तरीके से सनातन धर्मों को लेकर, जिस तरीके से रामायण में ऐसा था ही नहीं, तो इसकी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जो है ये फिल्म को कैसे लिख दिया और कैसे बना दिया 600 करोड़ की भारी भरकम वाली फिल्म। तो दोस्तों, ये फिल्म जो है एकदम बताया जा रहा है कि जो दर्शक है, जो फैन है, वो सिनेमाघरों में देखकर, बॉक्स ऑफिस के अंदर जाकर सिनेमाघरों में देखकर आते हैं तो कह रही फिल्म बहुत ही बकवास, जिस तरीके से हमारा पूर्वज राम थे उस तरीके से इसमें बिल्कुल नहीं है, इनकी भाषा ही चेंज है, ये फिल्म में कुछ ऐसा नहीं है जिस तरीके से आदि पुरुष नाम रखा और रामायण पर आधारित यह फिल्म बना। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।